एक तलाक बिदत, तलाक 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 एक साथ में गो हो जाती है। एक तलाक हसन, जो तलाक दो, एक महा रुको है इसके लिए, फिर तलाक दो, फिर रुको, फिर तीसरा तलाक दो। और तीसरे तलाक के हसन, जो बिल्कुल सही तरीका है, जो कुरान शरीफ की है, तलाक दो और तीन महा रुको। कुरान की आयत है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 में लिखा हुआ है कि जब भी आप तलाक देंगे तो तीन महा या तीन हैस की इद्दत है। तो तलाक पूरे मुकम्मल होने के लिए तीन हैस या तीन महा, तीन मेंस्ट्रुअल साइकिल और थ्री मंथली कोर्सेस मस्ट है, कंपलसरी है। अफसोस की बात है कि ये जो इख्तलाफ उम्मत में है उसकी एक वजह है। एक सही हदीस इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तीन तलाक एक ही मानी जाती थी, हजरत अबू बकर के दौर में तीन तलाक एक ही मानी जाती थी, हजरत उमर के पहले 2 साल के दौर में तीन तलाक एक ही मानी जाती थी, लेकिन उसके बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उस सिचुएशन को देख के वो कहते अगर कोई शख्स तीन दे दिया तो तीन हो जाती है। इस हदीस के वजह से जो इख्तिलाफ उम्मत में है और कई उलमा में इख्तिलाफ है, लेकिन उलमा में इख्तिलाफ है रहेगा, एक मंच पाएंगे कि अल्लाह आलम। लेकिन अगर आप कुरान की रोशनी में पढ़ते हैं, कुरान में तलाक का जिक्र किया गया है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 से लेकर 240 तक, और सूरह तलाक में सूरह नंबर 65 आयत नंबर 1 से 7। जो कुरान मजीद में तलाक का जिक्र है उसके अंदर यह है कि कभी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कोई झगड़ा हो जाता है शोहर और बीवी में, तो पहला शोहर बीवी बैठ के बात करे। ऐसा नहीं कि बीवी ने नमक ज्यादा डाल दिया और तलाक 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 कह दिया और तलाक हो गया। अगर बीवी में नमक ज्यादा डाला, बोले आपको नमक कम चाहिए, मामला सुलझ जाएगा। बैठ के बात करो, फिर भी बात ना बने तो अल्लाह ताला फरमाता है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 35 में कि आपके दरमियान एक हकम रखो, एक आर्बिटर, एक आर्बिटर बीवी की तरफ से, एक आर्बिटर शोहर की तरफ से। मतलब आर्बिटर हकम के आर्बिटर, हकम रखो बीवी की तरफ से और शोहर की तरफ से, और मामला को सुलझा लो। फिर भी अगर बात नहीं माने तो आप फिर तलाक दे सकते हैं। तो तलाक देते हैं तो कई उसके क्राइटेरियाज है कि हैज के वक्त तलाक मत दो, जब आप गुस्से में तलाक मत दो, शराब की हालत में तलाक मत दो। उसके बाद जब तलाक दिया जाता है तो 3 माह रुकना चाहिए। ये तलाक के आसन है जो बिल्कुल सही तरीका है। तलाक दो और 3 माह रुको, और 3 माह के अंदर अगर आप रुजू करना चाहते हैं अपने बीवी से तो रुजू हो सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर 3 माह तक आप समझते नहीं मुझे मेरे बीवी से अलग होना ही चाहिए, तो 3 माह के बाद इद्दत गुजरने के बाद आप दोनों मियां बीवी नहीं रहते, आप अलग हो जाते। लेकिन उसके बाद अक्सर मुसलमान भी नहीं जानते कुरान की आयत क्या है। कुरान शरीफ में लिखा हुआ है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 232 में कि अगर वो शख्स अपनी पुरानी बीवी से फिर से शादी करना चाहता है तो मत रोकिए। तो अगर तलाक हो चुका है सही तरीके से, तलाक के आसन के तरीके से, और 3 माह हो गए, इद्दत गुजर गए, 6 महीने बाद अगर लगा भाई जो मैंने क्या गलत किया, मैं फिर से शादी करना चाहता है, तो वो आदमी अपनी पुरानी बीवी से फिर से निकाह कर सकता है, लेकिन नया निकाह नया मेहर, नया निकाह नया मेहर, जो कई मुसलमान नहीं जानते। अफसोस की बात है कि हम मुसलमान कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़े नहीं, सही हदीस को तर्जुमे के साथ पढ़े नहीं। अगर हम कुरान शरीफ को सही तरीके से पढ़ेंगे और सही हदीस पे अमल करेंगे तो ये जो गलत फहमियां हैं दूर होंगी। और फिर से अगर शादी हुई, फिर से आप साथ में रह सकते, फिर से प्रॉब्लम हुआ तो फिर तलाक दो, फिर 3 माह रुको, फिर से अलग हो जाओ, फिर से आप चाहते फिर से शादी कर सकते। 3 बार जायज है, 3री बार आखिरी बार है, उसके बाद आप फिर से शादी नहीं कर सकते जब तक वो दूसरे किसी से शादी नहीं करे। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में एक भी शख्स
मेरे जिंदगी में नहीं आया जो तलाक के आसन किया, सही तरीके से तलाक दिया, अलहदा हो गए, फिर निकाह हो गया, फिर अलहदा हो गया, फिर निकाह हुआ, फिर अलहदा। मैंने कोई भी शख्स मेरे जिंदगी में, पूरे दुनिया में ऐसा शख्स के बारे में सुना ही नहीं जो सही तरीके से किया और बिछड़ गया, फिर से शादी की, फिर से बिछड़ गया, फिर से निकाह के, फिर बिछड़ गया, फिर शादी करना चाहता है। अगर आप सही तरीके से कुरान के ऊपर अमल करेंगे तो ये नौबत आएंगी नहीं। और कुछ लोग जो इस्लाम को मजाक बनाए और क्या कहते कि अच्छा अगर एक साथ में दे दिए, तीन तलाक दे दिए, हो गए, अभी क्या हलाला करो। कुरान कहता है तीन तलाक एक साथ में भी देंगे तो एक ही होती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में तीन भी एक साथ में देना एक ही होता था। हजरत अबू बकर के टाइम में भी तीन तलाक एक ही होता था। हजरत उमर के दौर में लोग जो कहते तीन तलाक तीन होती है, कई उलमा कहते हैं कि उनने ये अपने फतवे पे रुजू किए और उन्हें अफसोस था कि फतवा उन्हें दिए, और कई लोग कहते नहीं उनका फतवा सही था। इसमें उम्मत का इख्तलाफ है, लेकिन अगर कुरान की रोशनी में देखेंगे तो तीन तलाक एक साथ में भी देंगे तो एक ही होती है। हजरत उमर के दौर में रदिलावन उन्होंने कहा था कि हम उसे कह नहीं सकते क्या वो गलत है, लेकिन उलमा ये कहते हैं, मिसाल तो इब्ने तैमिया, शेख इब्ने तैमिया, वो कहते हैं कि ये हजरत उमर में अल्लाह भी प्लीज रदिलावन, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा उसके ऊपर नहीं है, इसीलिए हमें बात मानना। सारा कोई झगड़ा हो गया या कोई मसला हो गया और आदमी ने फिर उसी तरह इसी प्रोसीजर से गुजर कर दोबारा तलाक का फैसला किया तो इसको दूसरी तलाक कहते हैं। समझ रहे ना ये बात? ये तलाक भी बिल्कुल उसी तरह उसी मरहले से गुजरेगी, यानी तीन महीने में आप चाहें तो फैसला वापिस ले लें, चाहें तो तीन महीने गुजर जाने दें। अगर इस मर्तबा भी तीन महीने गुजर गए तो बीवी अलग, शौहर अलग, आप जब चाहें दोबारा उससे शादी कर लें। अगर आपने तीन महीने के अंदर फैसले को वापस ले लिया और फिर कोई चार पाँच साल के बाद इसी हमाकत को दोबारा दिल चाहा, तो अल्लाह ताला ने ये आखिरी हक भी दिया है। इसको कहते हैं तीन मर्तबा तलाक का हक, यानी एक मर्द को एक रिश्ता या निकाह में तीन मर्तबा तलाक का हक दिया गया है, ना कि तीन तलाक कोई चीज़ होती है। ये महज़ब तरीन अल्फाज में नॉनसेंस। लगता है